तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम नीम करौली बाबा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको 20वीं सदी के महान संत बाबा नीम करौली की कथा सुनाएंगे। बाबा नीम करौली को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं, क्योंकि अनेकों अवसरों पर इन्होंने बड़े ही अद्भुत चमत्कार किए हैं, जिन पर विश्वास करना भी कठिन है। किंतु बाबा नीम करौली के चमत्कार साक्षात लोगों ने देखे हैं, तो चलिए भक्तों सुनते हैं बाबा नीम करौली की ये अद्भुत कथा। फिरोजाबाद जिले में भक्तों अकबरपुर है का, बाबा नीम करौली का तो यही जन्म स्थान। दुर्गादास शर्मा था भक्तों नाम इनके पिता का, और जन्म देने वाली कौशल्या देवी माता। सन था वो तो 1900 जब इनका जन्म हुआ है, लक्ष्मी नारायण नाम इन्हें फिर मात पिता ने दिया है। होने लगे बड़े जो जो है इन्होंने होश संभाला, हनुमान मंदिर जाकर जप राम नाम की माला। बचपन से ही राम भक्ति में ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, बाबा जी में भक्ति के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगे थे। जैसे ही उन्होंने होश संभाला तो राम भक्ति में लीन हो गए। 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया। अब इनके पिता ही इनका लालन पालन करने लगे। जब लक्ष्मी नारायण शर्मा 11 वर्ष के हुए तो इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया। किंतु इनका उद्देश्य तो कुछ और ही था, अतः इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और सिद्धियों की खोज में निकल पड़े। राजकोट गुजरात में फिर तो बाबा आए हैं, राम प्रभु की भक्ति में तो ध्यान लगाए हैं। जब आश्रम में बाबा जी रहने के लिए आए, आश्रम के शिष्यों ने देखी उनकी प्रतिभाएं। लगे सोचने शिष्य सभी ये संत निराला है, हरदम जपता रहता राम नाम की माला है। सब शिष्यों ने आश्रम में है बड़ा सम्मान दिया, आश्रम का उत्तराधिकारी आपको नियुक्त किया। लक्ष्मी नारायण से फिर लक्ष्मण दास हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया।
प्रिय भक्त जनों, लक्ष्मी नारायण जी सिद्धियों की खोज में घर से निकल पड़े और गुजरात के राजकोट में एक आश्रम में पहुंच गए। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर वहां रहने वाले शिष्य उनकी सेवा में लग गए और इनको आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और गुरुजी ने इनका नाम लक्ष्मी नारायण से लक्ष्मी दास कर दिया। कुछ ही दिनों में ये भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और सिर्फ वायु पीकर ही हनुमान जी की भक्ति में लगे रहते थे। थोड़े ही दिनों में बाबा जी की प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि उनके दर्शन करने वालों की आश्रम में सदैव भीड़ लगी रहती थी। फिर तो इन्होंने भक्ति में है ऐसा ध्यान लगाया, कितने दिनों तक जल भी पिया नहीं और ना अन्न खाया। स्थिर समाधि ऐसी लगाई सांस रोक करके, कई महीनों तक ही ध्यान में ऐसे मग्न रहे। आपकी भक्ति की चर्चा लगी दूर दूर तक जाने, श्रद्धालु आने लगे हैं आपके दर्शन पाने। अनेकों भक्तों के कष्टों का किया आपने निवारण, प्रसिद्धि आपकी और भी फैल गई है जिस कारण। दर्शन करने भक्त अनेकों आपके आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, बाबा जी ने यहाँ आश्रम में अनेकों महीनों तक बड़ी ही घोर तपस्या की। इनकी साधना के चर्चे दूर दूर तक होने लगे और अनेकों भक्त इनके दर्शन को आने लगे। जो भी भक्त बाबा से अपनी समस्या बताता, इनके दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती थी। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भी भक्त मायूस नहीं लौटा। बाबा जी ने कई महीनों तक यहाँ ध्यान लगाया। कठिन तपस्या में लीन रहने के कारण उनकी दाढ़ी बढ़ गई और बालों की जटाएं बन गईं। ऐसी कठिन तपस्या यहाँ पे बाबा ने की है, उनके समान तपस्वी ना इस कलयुग में कोई है। दिन और रात ये हनुमान भक्ति में बिताते हैं, साक्षात दर्शन बजरंगी के करना चाहते हैं। राजकोट का आश्रम फिर तो इन्होंने छोड़ दिया, बनिया नामक गांव में फिर तो आ गए हैं बाबा। हनुमान जी के मंदिर का वहां निर्माण कराया, हनुमान जी की मूर्ति को खुद हाथों से बनाया। प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ही बाबा फिर करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, कई महीनों की कठिन तपस्या के पश्चात बाबा जी बबनिया नामक गांव में आ गए और वहां आकर हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि बाबा जी ने स्वयं ही हनुमान जी की मूर्ति अपने हाथों से बनाई और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई।
इसके पश्चात बाबा जी कठिन तपस्या में लीन हो गए और मंदिर के पास ही एक तालाब में जल समाधि लेकर तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या इनके दर्शन से होती भक्तों की दूर समस्या। चर्चित बड़ा ही हो गया फिर तो बबनिया नामक धाम। फिर बाबा ने सोचा कि अब करना है गंगा स्नान। तलैया बाबा फिर तो भक्तों वहां से चल दिए हैं। रमाबाई नामक साध्वी को सौंप दिए हैं। बबनिया से है फरुखाबाद की ओर चले बाबा। जाने आगे जाकर कैसी लीला करे बाबा। पांचाल घाट में स्नान वो अब करना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं। हम कथा सुनाते बनिया धाम को साध्वी रमाबाई को सौंपकर तलैया बाबा गंगा स्नान करने के लिए फर्रुखाबाद की ओर चल दिए। उन्होंने स्टेशन से टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गए, किंतु टिकट साधारण था और बाबा जी फर्स्ट क्लास के कोच में सवार हो गए। कोच में बैठकर बाबा जी ने राम नाम की माला जपने लगे। तब तक टीसी आ गया। टीसी ने सोचा कि ये कोई मामूली साधु है और बाबा को कहने लगे, तुम बाबा लोग बिना टिकट ही ट्रेन में चढ़ जाते हो और ऊपर से तुम फर्स्ट क्लास में बैठे हो। तब बाबा कहने लगे, स्टेशन से ले उचित टिकट, मैं रेल में बैठा हूँ। चाहे तो तुम देख लो अपनी टिकट, दिखा मैं दूँ। सुन बाबा की बात, टीसी को क्रोध है आए। भला बुरा कहकर बाबा को बड़ी ही धौंस दिखाए। टीसी ने फिर क्रोधित होकर ट्रेन ही रुकवा दी है। कोच में चढ़ने की औकात नहीं है। कहने लगे उस बाबा की टिकट है मेरे पास, फिर मुझसे तुम क्यों करते हो उल्टी सीधी बात। बातों ही बातों में टीसी को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौट आया। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौट आया। प्रिय भक्त जनों, साधारण से दिखने वाले बाबा का टिकट भी उस टीसी ने नहीं देखा और उन्हें अपमानित करके ट्रेन से नीचे उतार दिया और कहने लगे कि तुम अगली ट्रेन में आ जाना। बाबा ने उस टीसी को लाख समझाया लेकिन वो नहीं माना और बाबा जी को नीचे उतार कर ट्रेन को चलने का आदेश दे दिया। बाबा जी वहीं अपना चिमटा गाड़ कर जमीन पर बैठ गए, लेकिन उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी।
तो विभाग से इंजीनियर भी कई बुलाए हैं, किंतु ट्रेन को वो भी आगे बढ़ा नहीं पाए हैं। हुई इंजन में क्या है खराबी समझ नहीं कुछ आया, किस यात्री ने फिर उस टीसी को है समझाया। इस बाबा को आपने जैसे ही नीचे उतारा, उसके बाद ही घटनाक्रम ये हो गया है सारा। क्षमा याचना कर बाबा से ट्रेन में इन्हें बुलाओ, तब ही ट्रेन चलेगी जाकर बाबा को ले आओ। सब आकर के उनके चरणों में झुक जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, लाख कोशिश करने के बाद भी जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ी, भक्तों जिस जंगल में ट्रेन रुकी थी वहीं पास में नीम करोली नामक गांव पड़ता था। ट्रेन को बहुत देर रुकी देखकर कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए, वो भी देख रहे थे कई घंटे से ट्रेन वहां रुकी हुई है और इंजीनियर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं भक्तजनों, किंतु उन सब की कोशिश भी विफल हो जा रही थी। तब किसी यात्री ने टीसी को बताया कि जिस बाबा को आपने नीचे उतार दिया वो कोई साधारण साधु नहीं, पहुँचे हुए महात्मा है, तुम जाकर उनसे माफी मांगो। तब टीसी ने आकर उनसे क्षमा याचना की। वहीं कुछ गांव के लोग भी खड़े थे, वो बाबा जी को देखकर कहने लगे, हे बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे गांव के पास पहली बार ट्रेन रुकी है, हमारे लिए आने जाने का कोई साधन नहीं है और दूसरा स्टेशन बहुत दूर पड़ता है, ऐसी कृपा करो कि हमारे गांव में भी आज की तरह हमेशा ट्रेन रुकने लगे। तो बाबा ने टीसी से कहा, ट्रेन तो चल जाएगी किंतु तुम मुझसे वादा करो कि यहाँ विभाग से बात करके ट्रेन रुकवाने के आदेश ले आओगे और यहाँ स्टेशन बन जाएगा। तब टीसी ने कहा, हे बाबा, आपकी शक्तियों को मैं पहचान गया, मैं अपने विभाग से बात करके यहाँ स्टेशन बनवाने की मंजूरी अवश्य लाऊंगा, आप कृपा करके ट्रेन को ठीक करके चलने की अनुमति दें। चमत्कार बाबा ने फिर कुछ ऐसा कर दिया है, ट्रेन का इंजन भक्तों पल में ठीक हो गया है। टीसी ने भी विभाग से फिर कर ली पक्की बात, नीम करोली स्टेशन के तो बनवा लिए कागजात, बाबा जी की कृपा से बनने लग गया है स्टेशन। करोली गांव के लोग तो हुए बड़े ही प्रसन्न, बाबा जी के चमत्कार से ही हुआ है ये काम, तब से तलैया बाबा का पड़ा नीम करोली नाम। नीम करोली को ही नीम करोली बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, नीम करोली नाम के उसे गांव का नाम ही अब नीम करोली बोला जाता है। गांव वालों ने देखा कि बाबा के इशारा करते ही ट्रेन चल पड़ी, तो सब गांव वाले समझ गए कि ये सिद्ध महात्मा है।
तो गांव वालों ने जाकर मुखिया को बताया। मुखिया ने आकर बाबा से विनती की, हे बाबा जी आप हमारे गांव में चलो और हम पर भी कृपा करो। बाबा जी ने मुखिया की विनती मान ली और कहने लगे कि यहाँ मेरी तपस्या के लिए एक गुफा का निर्माण कर दो। मुखिया ने तुरंत ही ग्राम वासियों को लेकर बाबा जी की तपस्या के लिए गुफा का निर्माण करवा दिया। बाबा जी ने वहाँ भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करके भक्ति करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने यहाँ भी अनेकों चमत्कार दिखाए। एक बार भंडारे में घी कम पड़ गया था तो बाबा जी ने नदी से जल भरकर लाने को कहा। भंडारे तक आते आते गांव वालों ने देखा कि जल की जगह मटकों में घी भरा हुआ है। बाबा जी के इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सिद्ध महात्मा आए गांव में कोई है, चर्चा इनकी अब तो दूर दूर तक फैली है। चलते चलते उनके पिता तक पहुंच गई ये बात, नीम करौली गांव में आया सिद्ध बड़ा कोई ना। इनके पिता ने सोचा दर्शन करके आऊंगा और अपने पता लगाऊंगा। सिद्ध महात्मा है तो वो सब कुछ ही बता देंगे, चमत्कार यदि करते हैं बेटे का पता देंगे। पिता के आंखों में आंसू तो बहने लगते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया। प्रिय भक्त जनों, जैसे ही इनके पिता दुर्गादास ने इन्हें देखा तो तुरंत पहचान गए और रोते हुए कहने लगे, हे पुत्र तुम अपने घर में रहकर भी भक्ति कर सकते हो, तुम्हारा विवाह हो चुका है और तुम्हारी पत्नी बेवाओं की तरह जी रही है, उस बेचारी का क्या कसूर है, अतः तुम अपने घर चलो, मैं तुम्हें भक्ति करने से नहीं रोकूंगा, किंतु अपनी पत्नी के ऊपर ये जुल्म ना करो। अपने पिता की भावुक अपील से बाबा जी का दिल पसीज गया और वो अपने पिता के साथ एक बार फिर गांव में लौट आए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इस दौरान उनके दो पुत्र और एक पुत्री हुई, किंतु गृहस्थ जीवन इन्हें रास ना आया और फिर से भक्ति करने के लिए ये कैंची नामक गांव में आ गए। गृहस्थी जीवन बाबा जी को रास नहीं आया है, फिर से इन्होंने भक्ति का ही रास्ता अपनाया है। कैंची नामक गांव में फिर तो बाबा चले आए हैं, हनुमान जी का एक मंदिर वहां भी बनवाए हैं। अपने चमत्कारों से करते भक्तों के दुख दूर, कैंची धाम हो गया है भक्तों फिर तो बड़ा मशहूर। नैनीताल में पड़ता है ये भक्तों कैंची धाम, दर्शन मात्र से भक्तों के सब बिगड़े बनते काम। जाने माने लोग भी जाकर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया, जो शरण में निकी आया कभी खाली ना लौटाया।
जनों, कहते हैं जिसने बाबा नीम करौली के दर्शन कर लिए उसकी किस्मत का सितारा चमक गया समझो। बाबा नीम करौली के भक्तों में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का भी नाम आता है। ये बात उन दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे भी स्वीकारी कि नीम करौली बाबा के दर्शन करने के पश्चात उनका जीवन अद्भुत रूप से बदल गया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे जाने माने सितारे भी उनके भक्त हैं। प्रिय भक्तों, नीम करौली बाबा ने अनेकों ही हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया और भक्त तो उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 11 सितंबर सन 1973 को वृंदावन में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, किंतु आज भी भक्त नीम करौली बाबा के दर्शन पाके अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और जो भी मनोकामना लेकर जाते हैं वो अवश्य पूर्ण होती है। नीम करौली बाबा के जो जाते हैं कैची धाम, पूरण होते हैं भक्तों के यहाँ पे सारे काम। जाने माने सितारे भी यहाँ दर्शन को आते हैं, कैची धाम में आकर अपना शीस झुकाते हैं। चमत्कार है लाखों वर्णन जिनका किया न जाए, किस्मत वाले होते हैं जो इनके दर्शन पाए। हंस राज रलहन करते हैं चरणों में प्रणाम, डीएस पाल भी धन्य हो गया करे इनका गुणगान। फौजी सुरेश पे भी बाबा कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हनुमान जी के अवतार जो माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।